प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में लाकानूनियत का मामला, एलडीएन स्कीम्स का रिकॉर्ड सीज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। गैर कानूनी अमूर की निशानदेही के लिए स्पेशल कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, शेख जैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। शेख जैन, आगाह कीजिएगा। फारूक अहमद, ये लाहौर न्यूज ने निशानदेही की थी कि एलडीए की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर नवाजिशात की जा रही हैं और गैर कानूनी तौर पर प्लानिंग परमिशन जारी किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद डीजी एलडीए ने लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन लिया और इस वक्त एलडीए के शोभा मेट्रोपोलिटन प्लानिंग विंग में जो तमाम तर काम है उसको फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है और तमाम स्कीमों का जो रिकॉर्ड है उसको भी सीज करके बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और चार रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है जो कि इन गैर कानूनी स्कीमों पर होने वाली नवाजिशात की निशानदेही करेगी। लाहौर न्यूज की निशानदेही पर साबिक चीफ मेट्रोपोलिटन प्लानर शकील अंजम मिन्हास को भी मुअत्तल कर दिया गया था। ताहम अब सीएमपी शकील अंजम मिन्हास की जानिब से डीसी एलडीए को ये दरख्वास्त दी गई है कि वो खुद ये जो स्कीमों के खिलाफ इस वक्त तहकीकात की जा रही हैं उस तहकीकात में शामिल होना चाह रहे हैं और दरख्वास्त में ये मौका इख्तियार किया गया है कि इनकी गैर मौजूदगी में जो कमेटी मेंबरान है वो बेहतर अंदाज में तहकीकात नहीं कर पाएंगे, ताहम वो कमेटी की मदद के लिए तैयार हैं और इनकी खिदमात कमेटी को दी जाए ताकि बेहतर अंदाज में चीजों को वो एलेबोरेट कर सकें। ताहम उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है इस दरख्वास्त में डीजी एलडीए से कि रिहायशी स्कीमों में लाकानूनीत पर कमेटी उनका भी नुक्ता नजर को शामिल करे ताकि शफाफ तहकीकात हो सके। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो चार रुकनी कमेटी है वो शहर लाहौर में वाकई 197 गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों की तहकीकात कर रही है, उसको जो प्लानिंग परमिशन जारी किए गए हैं उन पर तहकीकात की जा रही है और जो स्कीमें गैर कानूनी तौर पर तरक्याती काम कर रही हैं उन पर भी तहकीकात की जा रही है और फिर उसके बाद ये तहकीकात करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाइयों का बाकायदा तौर पर आगाज किया जाएगा। ठीक है, तहकीकात के बाद कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख सैन आपका।